नमस्कार, मैं हूं भास्कर सुमन। फिर से एक बार राफेल का जीन सामने आया है। मामला 70,000 करोड़ रुपए का है और मजे की बात यह है कि इस डील में और इस डील को पूरा करने के लिए अनिल अंबानी ने नागपुर में ही एक कंपनी खोल दी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके माध्यम से एक राफेल लड़ाकू विमान की कंपनी नागपुर में खोल दी गई थी। फ्रांस में इस घोटाले की तफ्तीश शुरू हो गई है। वहां एक जज भी नियुक्त किया गया है। वहां के एक अखबार मीडिया पार्ट ने इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। जबकि राफेल लड़ाकू विमान भारत द्वारा खरीदे गए हैं, लेकिन यहां ऐसी कोई जांच हो पाना असंभव है, क्योंकि चाहे सीबीआई हो या अन्य कोई एजेंसी हो, इस कांड में दखल देना नहीं चाहती। यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि मोदी सरकार का ये काम राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। चाहे घोटाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना उनके बस की बात नहीं। ठीक इसी तरह बोफोर्स कांड भी हुआ था, लेकिन उस समय सीबीआई ने इसके खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस घोटाले को उजागर कर दिया था और वे देखते देखते इस देश में एक हीरो बन गए थे। ये राफेल घोटाला उससे भी कई गुना बड़ा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अनिल अंबानी और आदि लोगों के नाम इसमें शामिल है। लेकिन क्या भारत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फ्रांस की तरह ऐसी कोई जांच, निष्पक्ष जांच संभव है? भारत में ऐसी कोई एजेंसी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, तो फिर क्या इस महाघोटाले की जांच कौन करेगा? भारत में भले ही ऐसी न्यायिक और निष्पक्ष जांच के लिए कोई एजेंसी सामने आए ना आए, लेकिन फ्रांस में चल रही जांच अवश्य इसमें शामिल लोगों का पर्दाफाश करेगी और सारी की सारी सच्चाई सामने आएगी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है।